गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड वीडियो ऑफ साइंस क्लास 8, चैप्टर 11, फोर्स एंड प्रेशर। इन फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी केम टू नो व्हाट इज फोर्स, एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो लेट अस स्टार्ट। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इट मीन्स If an object is at a stationary position, means it is at rest position, and now if you apply the force gently, then it start moving. So in this picture you see that a football is at rest condition, but when this player kick the ball, then it is come in motion. Thus a force can change the state of motion. Force can change the shape of an object. So usually you see that what happen when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palm, मतलब जब आप बॉल को अपने पाम के बीच में लेकर के उसे प्रेस करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? या जब आप डो लेते हैं और उसे बेलने से बेलते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो चपाती के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सो द शेप ऑफ डो विल बी चेंजेस बिकॉज ऑफ अप्लाइंग द फोर्स। सो बाय दीज एग्जांपल्स इट इज क्लियर दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो फॉर दिस इफ यू टेक अ बॉल एंड पुट इट ऑन द टेबल एंड पुश इट, देन यू ऑब्जर्व दैट बॉल कम्स इन मोशन। Now put a cardboard in the front of ball, then you see that the direction of ball will be changes. आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा कि जब बॉलर बैट्समैन को बॉल करता है तो उसकी डायरेक्शन दूसरी होती है, लेकिन जैसे ही बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। इससे ये प्रूव होता है कि जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट किया, फोर्स लगाया उस पर। फोर्स लगाने से बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। सो बाय दीज एग्जांपल्स इट इज क्लियर दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि जो फुटबॉल मैच होते हैं उसमें से जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं बॉल को किक करते हैं, किक करने पर बॉल मोशन में आती है, लेकिन जैसे ही वो गोलकीपर के पास पहुंचती है, गोलकीपर उसे पकड़ता है, आप देखते हो कि बॉल जो मोशन में थी वो रेस्ट में आ जाती है। इससे ये प्रूफ हुआ कि जब एक फुटबॉलर ने बॉल को किक किया तो मोशन में आई वो, और जैसे ही गोलकीपर ने उसे पकड़ा तो उसका मोशन यानी वो रेस्ट में आ जाती है, क्योंकि उसने भी कुछ फोर्स अप्लाई किया। So by this example, this is proof that force can stop a moving object. Force can change the speed of object. So for this, when you are moving on bicycle at a certain speed and someone pushes the bicycle, कि अगर आप साइकिल में जा रहे हैं और कोई आपको पीछे से पुश करता है, तो आप देखते हो कि आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसी कंडीशन में कोई साइकिल पीछे से खींचता है तो हम देखते हैं कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंजेस। ऑप्शन ए डायरेक्शन, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम। फर्स्ट ऑप्शन इज द शेप ऑफ बॉल विल चेंजेस। ऑप्शन बी द शेप ऑफ बॉल विल नॉट चेंजेस। ऑप्शन सी इट रिमेन सेम।
ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द शेप ऑफ बॉल विल बी चेंजेस। क्वेश्चन थर्ड इज फोर्स कैन ऑब्जेक्ट ऑप्शन ए स्टॉप मूविंग ऑप्शन बी चेंज द शेप ऑफ ऑप्शन सी चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन फोर्थ इज व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग इज द ऑप्शन ए सम ऑफ टू फोर्सेस ऑप्शन बी डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू प्रैक्टिस एंड योर प्रैक्टिस होमवर्क आर ऑन योर स्क्रीन। See you soon in the next video of this chapter. Till then, take care. Thank you for watching.